संदीप पानीपत से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मैंने पिकअप सेगमेंट की गाड़ियों का आपको रिव्यू कराया, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ महिंद्रा की मिनी पिकअप। देखिए छोटी पिकअप तो देखा जाए तो बोला जाए तो महिंद्रा की जीतो प्लस सीएनजी वेरियंट को आप डीजल वेरियंट में, पेट्रोल वेरियंट में और सीएनजी वेरियंट में ले सकते हैं। तो सीएनजी वेरियंट में आप पहले भी गाड़ी आ चुकी है जो कि जीतो हमारी लॉन्च हुई थी 2015 में, और अब जो गाड़ी आई है जीतो सीएनजी 400 के नाम से। तो जीतो सीएनजी 400 में क्या है कि एक बार आप सीएनजी फिल कराएंगे और 400 किलोमीटर तक चलाएंगे तो आपको इसमें एवरेज में भी अगर बात करें तो 35 किलोमीटर की एवरेज जो आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप अपनी कमाई को दो गुना चार गुना कर सकते हैं। इसके प्राइस की तो जीतो सीएनजी 400 का जो प्राइस है 5,36,000 रुपए 400, और जो इसमें स्कीम आई है 45,000 रुपए की, 45,000 रुपए का इसमें आज के दिन आपको डिस्काउंट मिलता है। एडिशनल अगर आपके पास कोई एक्सचेंज ऑफर, अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं कोई गाड़ी, तो 10,000 रुपए का इसमें आपको एक्सचेंज डिस्काउंट की भी सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं गाड़ी के रिव्यू की, तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ महिंद्रा के सिग्नेचर लोगों के साथ। तो हम महिंद्रा की कोई भी गाड़ी अगर देखते हैं तो सिग्नेचर लोगों के साथ देखिए, साथ साथ इसमें ग्रिल जो है आपकी, इसमें दोनों लाइटों के बीच में अटैच है जो कि एक शानदार भी लगती है और आकर्षक भी लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों कमर्शियल व्हीकल होने के कारण इसमें रिफ्लेक्टर की ये थोड़ी जगह यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलेगा, ताकि आपको रात में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको सुविधाजनक रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों फोग लैंप की जगह इसमें आपको यहाँ पे दी हुई है, ब्लैक बॉडी बम्पर मिलेगा इसमें आपको दोस्तों। इसके साथ साथ अगर इसे बात करते शीशे की, तो देखा होगा आपने काफी चौड़ा और लंबा है जो कि आपको अंदर से सामने की विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर आती है, और इसमें वाइपर मिलेगा, सिंगल वाइपर मिलेगा। अदर गाड़ी में दो दो वाइपर मिलते हैं, लेकिन जीतो में सिंगल वाइपर जो कि इसको पूरे शीशे को कवर करेगा और बिना वाशर के मिलेगा। साथ साथ दोस्तों बात करते हैं साइड की, तो साथ में टर्न सेफ इंडिकेटर की इसमें आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। साथ साथ सीएनजी का बैचिंग मार्क देखते हैं, सीएनजी का बैचिंग मार्क, और इसी के साथ साथ जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करा रहा हूँ आपको, जीतो सीएनजी 400, जीतो प्लस सीएनजी 400, जो कि एक खिड़की पे इसको बहुत ही अच्छा बैचिंग मार्क मिलेगा जो कि देखने भी बहुत आकर्षक लगता है। और दरवाजा खोलने के लिए आपको सिंपल हैंडल मिलेगा, पीछे के लिए मिरर आपको यहाँ पे सुविधा मिल सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं डाले साइज की, डाले साइज की अगर बात करते हैं जीतो का जो डाला साइज है, जो इसकी लंबाई रहेगी 7.4 की जो इसमें लंबाई रहेगी, और जो चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 4.9 में इसकी लंबाई रहेगी। तो इस तरह से कुछ इसका कार्गो बॉक्स रहेगा, नजदीक से दिखा, इस तरह से आप इसका थोड़ा कार्गो बॉक्स रहेगा, इसमें आप अपना सामान अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ से इस तरीके से आपको सामान कैरी करने के लिए आप ये डाला यहाँ से आप खोल सकते हैं, अगर आप अपना इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं सामान और अपना माल लोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अगर बैक साइड की बात करते हैं, तो इसमें आपको सीएनजी का बैचिंग मार्क और साथ में महिंद्रा की ग्राफिक्स, महिंद्रा का लोगो मिलेगा यहाँ पर आपको, साथ साथ रिफ्लेक्टर की सुविधा यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल होने के कारण। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था BS6 इंजन होने के कारण अब सभी कमर्शियल व्हीकल में या कोई सी भी आप गाड़ी लेते हो तो आपको बैक सेंसर की सुविधा इसमें दी जाएगी, तो उस हिसाब से आपको बैक सेंसर की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको आप पीछे माल गाड़ी बैक कर रहे हो या फिर कहीं आप साइड में लगा रहे हो तो उसमें आपको बीप के इंडिकेटर देके आपको उस चीज का पता लग सकता है। साथ साथ दोस्तों इसमें टेल लाइट है, बैक टेल लाइट की सुविधा इसमें, जो कि आपको डाले के अंदर ही फिक्स मिलती है, जो कि आपको पीछे लगने से बचाती है, कहीं दिक्कत कहीं लग जाती है तो उसमें आपकी लाइट सेफ रहती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप डाले को खोलते हैं नीचे यहाँ लगता है तो आपका पेंट ना खराब हो और ज्यादा खड़खड़ की आवाज ना आए, तो इसमें एक रबड़ की यहाँ पे सुविधा अलग से दी हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी की थोड़ी सी इसमें जगह यहाँ पर दी हुई है, लेकिन धूल मिट्टी या किचन में थोड़ा सा इसको गंदा होने का थोड़ा डर रहता है, लेकिन जहाँ पे आप अपनी बॉडी बिल्ड कराओगे, अपना बॉडी बनवाओगे, तो यहाँ पर एक अपना इसमें प्लेट लगवा कर इसको सेफ कर सकते हैं, ताकि मिट्टी धूल से बच सके और किसी चोरी वगैरह से बच सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं टायर साइज की, तो
जीतो प्लस में आपको टायर साइज जो मिलेगा 12 इंची का मिलेगा, छोटे दाय के साथ एक 12 इंची का मजबूती के साथ 12 इंची का टायर, जो कि आपको जो इसका पेलोड है उसको उठाने में ज्यादा सक्षम, वजन को उठाने में ज्यादा सक्षम रहता है। इसके पास दोस्तों मजबूत चेसी के साथ आपको जीतो प्लस देखने को मिलेगी, साथ साथ जो सिलेंडर की जगह जो इसमें दी हुई है, इसमें दो सिलेंडर, जो मेरी पहले जीतो प्लस जो गाड़ी आती थी सीएनजी में उसमें सिंगल सिलेंडर था, तो अब जो इसमें सिलेंडर आए हैं तो दो सिलेंडर के साथ आई है, जो कि आपको मैंने बताया कि 400 किलोमीटर तक एक बार फिल कराओ और 400 किलोमीटर चलाओ, तो वो इसी कारण है कि इसमें पहले सिंगल सिलेंडर था, डबल सिलेंडर की इसमें सुविधा कर दी है। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर की यहाँ जगह जो दी हुई है, एक तो आपको यहाँ मिलेगा और एक इस गाड़ी के थोड़ा सा अंदर है, ये अंदर की तरफ देखेंगे तो एक सिलेंडर वहां पे, यानी कि दो सिलेंडर में आपको जीतो सीएनजी 400 जो कि आपको कमाने में दोगुना चौगुना कर सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं तो जीतो प्लस में पटे कमाने नहीं है, लेकिन एक मजबूत सस्पेंशन है जो कि एक ट्रक में यूज जो होते हैं वो मजबूत सस्पेंशन, देखिए ठीक है सस्पेंशन जो इतने मजबूत है यहाँ के, तो आप देख सकते हैं इतने मजबूत सस्पेंशन आपको किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिल पाएंगे, जो कि इसमें आपको मिल पाएंगे मजबूत चेसी के साथ मजबूत वो सस्पेंशन और दो सिलेंडर की सुविधा, यानी कि मिनी पिकअप सेगमेंट में इस मिनी पिकअप गाड़ी में जो सुविधा आपको इस गाड़ी में मिल रही है, इस सेगमेंट में मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अदर कोई सी गाड़ी में आपको मिल पाएगी, जो कि आपकी कमाई को 4 गुना ज्यादा कर सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसमें सिंपल स्टीयरिंग मिलेगा और डी शेप में मिलेगा, जो कि ये शेप होगी इस तरह से आपको सिंपल मिलेगी, और जो स्टीयरिंग पे जो लोगो मिलेगा आपको महिंद्रा का लोगो के साथ आपको स्टीयरिंग मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें जो मीटर मिलेगा डिजिटल मीटर है, जो कि आपको इसमें हर तरह की इंडिकेट कर देगा कि भाई इसमें आपको ये हैंड ब्रेक लगा है या फिर ये आपकी फ्यूल की जगह बता रहा है, इंजन बत्ती, इसमें आपको हर तरह का इसमें आपको बताता इंडिकेट करता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों 12 वोल्ट का इसमें चार्जर की सुविधा इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ चार गियर जो इसमें चार गियर होंगे और एक अपना रिवर्स गियर होगा, और बहुत ही स्मूथ गियर है, आराम से इसको लगा सकते हैं। साथ साथ एक आकर्षक डैशबोर्ड आपको इसमें मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप इसमें म्यूजिक सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कमर्शियल व्हीकल होने के कारण आरटीसी से पास नहीं करता, तो आप बाहर किसी अथॉराइज डीलर से या फिर एक्सेसरी की दुकान से आप इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह आराम से लगवा सकते हैं, साथ में बटन वगैरह की सुविधा भी दी हुई है, और लॉकेबल आपको इसमें ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, जो आपके अपने कीमती पेपर आप इसमें रख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप इसमें थोड़ा बहुत सामान इसमें भी रख सकते हैं। बाकी स्पेस की अगर बात करें तो जैसे कि गियर बॉक्स जो है आपका, गियर लीवर है जो आपका इसमें डैशबोर्ड के अंदर ही फिट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इतना स्पेस, काफ़ी स्पेस देखने को मिलेगा ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर आराम से इसमें स्मूथली ड्राइव भी कर सकते हैं, अपने जा भी सकते हैं। अगर कोई आपका सामान भी रखना था, यहाँ पे स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, आप इसमें एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो सनराइजर की जगह दी हुई है सिंगल ड्राइवर के लिए दी हुई है इस तरफ, और पीछे जो बैक मिरर की इसमें ये सुविधा दे सकते हैं, साथ में आपको हैलोजन एक छोटे बल्ब के साथ लाइट की सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों हैंड ब्रेक की जो अगर बात करते हैं, बीच में आपको हैंड ब्रेक यहाँ पे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, हैंड ब्रेक को यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं बैक मिरर की, आप इसे पीछे के बैक मिरर की जगह दी हुई है, जो कि ये है क्लोज, लेकिन आप इसमें अपना पीछे का सामान कैरी करा हुआ या फिर अपना पीछे का अगर हम गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने में आसानी होती है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको ये सुविधाजनक रहेगा। साथ साथ दोस्तों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए इसके अंदर सीट बेल्ट की सुविधा, तो सीट बेल्ट की सुविधा इसके अंदर बहुत ही अच्छी दी हुई है, जो कि अगर बात करते हैं सीट की तो बढ़िया कुशन की सीट है, आप आराम से इसमें ड्राइव कर सकते हैं। क्लच भी बहुत ही हल्का, यानी कि पैर सिर्फ लगाने की होती है, बिल्कुल स्मूथ क्लच है इसका। इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर कवर की, जैसे कि मेरी महिंद्रा की मिनी पिकअप है, तो ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि ये पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है या फिर कुछ अलग इसमें, लेकिन सिंपल है,
सिंपल शीशा ऊपर नीचा करने के लिए ये मिलेगा आपको, हैंडल अंदर करने के लिए, लॉक करने के लिए आप मजबूत है या मिल सकता है, लॉक करने के लिए आपको ये मिलेगा। सिंपल ग्राफिक्स मिलेगी इसके अंदर आपको, जो कि ग्रे कलर की होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि सीएनजी गाड़ी है हमारी जीतो सीएनजी 400, तो सीएनजी वेरिएंट में आपको एक सेफ्टी फीचर के लिए एक छोटा सा सिलेंडर जो कंपनी ही पास करती है आपको ये मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, अगर बात करते हैं स्टेपनी की, तो स्टेपनी का जो इसमें स्पेस दिया हुआ है अलग से, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है जो कि आप इसको कवर भी करवा सकते हैं और आप इसमें लॉक भी लगवा सकते हैं। तो और इसके साथ दोस्तों, साथ साथ बात करते हैं सीएनजी की, तो आपको सिलेंडर आप सीएनजी फिल यहाँ से ही करा सकते हैं। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये आप इसमें नोजल निकाल के सीएनजी आप यहाँ से अपना फिल करा सकते हैं और साथ साथ मीटर में आप प्रेशर चेक कर सकते हैं कितना इसमें प्रेशर, कितनी सीएनजी आई है। तो इसके द्वारा आप इसमें फिल सीएनजी फिल करा सकते हैं और आप एक लॉक का सिस्टम भी लगवा सकते हैं अगर लगवाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ दोस्तों, अगर बात करते हैं लॉक की, तो आपको जीतो सीएनजी प्लस में एक तरफ का लॉक सिस्टम मिलेगा जो कि ड्राइवर साइड मिलेगा और मजबूत हैंडल के साथ, और आपको जीतो सीएनजी की पैचिंग मार। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको गाड़ी का रिव्यू कराया और गाड़ी के बारे में आपको प्राइस के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था 5,36,000 रुपये 400 रुपये इसका प्राइस है, और इसमें जो स्कीमा जो चली हुई है 45,000 रुपये की, और एडिशनल कोई एक्सचेंज अगर अपनी गाड़ी करना चाहता है तो उसमें 10,000 रुपये का उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, सभी फाइनेंसर इस गाड़ी को लोन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं, यानी कि एक महिंद्रा की गाड़ी का सभी बैंकों का एक विश्वास बना हुआ है, एक विश्वास है भी इस चीज का कि वो कोई भी अगर इन गाड़ियों का लोन कराता है तो आसानी से इनकी किस्तें चुका सकता है, क्योंकि एक रफ एंड टफ रास्ते पर यूज होने वाली और एक लंबे समय तक चलने वाली महिंद्रा की गाड़ी, जो कि कस्टमर का बहुत ही बहुत फायदा भी करती है और उसको पैसा भी कमा के देती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं एवरेज की, सिलेंडर की आपको सुविधा मिलेगी जो कि आपकी 12 से 13 किलो गैस आएगी, और जैसे कि पहले सिंगल सिलेंडर आती थी तो 200 से 250 किलोमीटर तक आपकी एवरेज निकलती थी, तो अब जीतो सीएनजी 400 जीतो प्लस जो आई है सीएनजी 400, ये आपको 400 किलोमीटर तक एक बार फुल कराओ और 400 किलोमीटर तक चलाओ, जो वादा है कंपनी का। और अगर ड्राइवर इसको अच्छी तरह से सही चलाता है तो 400 से ज्यादा भी निकाल सकता है, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर ही होता है एवरेज निकालना। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी टॉर्क पावर करते हैं तो 44 का इसका NM टॉर्क पावर है। 40 साइज की अगर बात करते हैं तो 7.4 की लंबाई है और 4.9 की इसमें चौड़ाई है। पावर स्टीयरिंग इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिंपल स्टीयरिंग के साथ मिलेगा, लेकिन जब आप ड्राइव करोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल स्टीयरिंग ही लगेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर बात करते हैं किस किस एप्लीकेशन में, अगर आपका मार्केट लोकल का काम है, लोकल मार्केट का तंग गलियों का, तो आपको एवरेज के मामले में भी, वजन उठाने के मामले भी हर तरीके से मेरी जीतो गाड़ी बहुत ही सुटेबल रहेगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महिंद्रा के पीपी ऑटोमोटिव पानीपत से, जो कि नजदीक नियर टोल प्लाजा के पास है, और आप अपनी गाड़ी को खरीद सकते हैं अपने नजदीकी शोरूम आकर पीपी ऑटोमोटिव से, और अपने कमाई को 4 गुना कर सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें।